हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स वीडियो में एटीपी कोस्टेबल के बारे में दोस्तों बात करें। आपका जो ट्रेड मैंने का जो पेपर होने वाला है कल, जो मेरे फ्रेंड्स का एडमिट कार्ड आपने निकाल लिया होगा मुझे पता है गाइस। आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स, जो आपका पेपर कल होने वाला है, आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। मैं आपको भी ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ, ठीक है? जो मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं जो यकीन नहीं करते हैं बात का। लेकिन गाइज देखिए, आपका जो ये इंडिया में कोरोना वायरस से समथिंग नाम की बीमारी जो चल रही है, ठीक है, कोरोना वायरस नाम की जो बीमारी चल रही है, उसके चलते आईटीबीपी ने अपना फैसला बदलना पड़ा। जो पेपर कल होने वाला था आईटीबीपी ट्रेड्समैन का, वो कैंसिल करके आगे के लिए डेट दी नहीं है फिलहाल, लेकिन दे दी जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर होता है उस पर न्यूज आई थी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, आईटीबी कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट एग्जाम पोस्टपोन ड्यू टू COVID-19, ठीक है? तो ये कोरोना वायरस की वजह से ये हुआ है, ठीक है? न्यू दिल्ली द आईटीबी हैज बीन पोस्टपोन्ड ए नेशन वाइड रिटन एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन संडे। जो पेपर संडे को होना था, मतलब कि 22 तारीख को, आप देख लीजिए कल संडे है तो आज 21 तारीख है, आज सैटरडे हो गया, कल संडे है, तो आपका पेपर कल होना था ये, ठीक है? तो ये पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, गार्डिंग फोर्स इन यू ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक ए सीनियर ऑफिसियल सेड ऑन ट्यूजडे द एग्जाम वाज सस्पोंड टू बी टेकन बाय अबाउट 50,000 कैंडिडेट ऑन मार्च 22 एट 11 सिटीज इन द कंट्री। कम से कम 50,000 कैंडिडेट को ये मतलब पेपर देना था ये, ठीक है? तो 22 मार्च को पेपर आपका होना था, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 इन बिगिंग पोस्टपोन इन व्यू ऑफ ए मेजर बिंग टेक ऑफ COVID-19, फ्रेश स्टेट विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। गाइज कुछ मेरे फ्रेंड्स वीडियो बना रहे हैं नीचे, जो कोई भी है, तो कह रहे हैं कि आपका पेपर इस डेट में होगा, उस डेट में होगा। तो आपको मैं बता दूं गाइज, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम सटीक जानकारी देता हूँ, ठीक है? अभी आपकी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। अभी जो ये कोरोना वायरस की जो बीमारी चल रही है इंडिया में, देखिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूँ कि यार देखिए, सबसे पहले अपने हाथ को रोजाना वॉश करें, ठीक है? हर 1 घंटे में वॉश करते रहें। सब देखिए, बात यह है कि इंडिया वाले इस बीमारी को बहुत धीमे तरीके से ले रहे हैं, ज़्यादा उसमें नहीं ले रहे हैं कि हाँ ये हार्ड लेवल में भी जा सकती है, ये नहीं मान रहे इंडिया वाले। सोच रहे हैं कि नहीं बस नॉर्मल बीमारी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बीमारी बिल्कुल नहीं है गाइस। ये बहुत मतलब कहते हैं ना कि यार जाना तो जाना है यार, पहले प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और प्लीज़ भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहिए यार, ठीक है? और जब ये बस छोटी सी न्यूज़ थी जो आपको मुझे देनी थी कि अब पेपर जो है ये मतलब कैंसिल हो गया है, कल होने वाला था जो भाई पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये जो आपको न्यूज बताई है मैंने गाइस, ठीक है, ये थी क्या कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, ठीक है? टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज पेपर होता है हमारा, तो आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गाइस देखिए, एक ऑफिशियल साइट है आईडीबीपी की, ठीक है? यहाँ पे आप आराम से देख लीजिए, आईडीबी ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड एंड एग्जाम डेट, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबी हैज नाउ पोस्टपोन्ड द एग्जाम फॉर सिटी ट्रेड्समैन 2017 इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्प्रेड द कोरोना वायरस COVID-19। ITP has decided to postpone the ITP tradesman exam. ITP will inform tradesman exam new date in due course of time. Friends, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पेपर है वो postpone कर दिया गया है finally, ठीक है? और जबकि डेट है अभी आई नहीं है, लेकिन जल्दी आपकी डेट भी आ जाएगी, आपका जो जो नया स्टूल है वो भी आ जाएगा। मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो बना दूंगा कि आपकी जो पेपर की डेट है आगे जो आएगी वो किस टाइम का पेपर होना है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइज। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो मेरा, तो मैं आपको सबसे पहले जब आपकी डेट आएगी ना इस पेपर की गाइज, मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो बना दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा विश्वास कीजिए, ठीक है? एंड मैं आपको विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा, आई प्रॉमिस गाइज। और मैंने जो आपके लिए कल वीडियो बनाई थी आईटीबीपी कॉन्स्टेबल के ऊपर, ड्राइवर जो टेस्ट चल रहा है आपके, जो भी टेस्ट रिटर्न में जो उनका रिजल्ट आया है, कुछ मेरे फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन था कि मुझे हमें ये नहीं पता सर कि हमें स्किल टेस्ट कैसे होना है। मैं उसके लिए जल्दी आज ही वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो उस वीडियो के लिए मतलब जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया, उनके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उन सब मेरे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच यार, ठीक है? ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो गाइस ये छोटी सी बात थी जो आपको बताने थी मैंने। और हाँ मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाइयों, प्लीज़ यार इस कोरोना वायरस समथिंग जो बीमारी आपके इंडिया में आई है, हमारे इंडिया में जो आई है, तो इससे प्लीज थोड़ा बचाव रखें आप भी, और गवर्नमेंट का साथ दें कि गवर्नमेंट का साथ दोगे यार तभी कुछ हो पाएगा यार, ठीक है? तो बहुत बड़ी समस्या आई, छोटी समस्या में ना लीजिएगा इसे। अपने फैमिली को समझाइए कि वो बाहर ना जाएं, ठीक है? और भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल घर में रुक जाओ, ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन यार थोड़ा फिर बच फिर मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा बच के रहो यार, ठीक है? जो भीड़ के इलाके हैं वहां मत जाइए, किसी से हाथ मत मिलाइए,
जो ज्यादा मतलब कि जैसे कि कोई लोग दिल्ली से आए या फिर कहीं से आते हैं तो उनसे खासकर दूर रहे, जो विदेश से आते हैं फिर दिल्ली में काफी फैला हुआ है, ठीक है, जो भी गांव के या फिर कहाँ के भी आप रह रहे हो थोड़ा ध्यान दें इस बात पे, ठीक है, और अपने आप को स्वस्थ रखें, साफ रखें। एंड थैंक यू सो मच गाइज। अगर गाइज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट लगता है मेरे इस वीडियो में तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब पक्का दूंगा। फ्रेंड थैंक यू सो मच।